Good afternoon, class. So today's section we are discussing about our second unit of training methodology. हमारी second unit का name है psychology of learning. इस unit के अंदर आज हम इस unit का first lesson discuss करेंगे, जिसका name है educational psychology and learning. हमारे जो ये second unit है, इससे इसका जो हमारा learning outcome है, वो रहेगा सबसे पहले एक जो हमारा टीचर ट्रेनी है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनी है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्यों रखती है साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसको समझना है, ताकि एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझकर, इसके बेसिक को समझकर अपने ट्रेनीज पर लागू कर सके और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सके. नेक्स्ट है हमारे पास की एक जो इंस्ट्रक्टर है एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से अपने ट्रेनीज को मोटिवेट कर सकता है, और जो हमारा जो ट्रेनिंग का रिक्वायर्ड गोल है, लर्निंग आउटपुट है, आफ्टर टू ईयर ट्रेनिंग जो हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए, उसके लिए हमारी जो ट्रेनिंग है, इसलिए मोटिवेट करना है लर्नर को, ताकि वो इस लर्निंग आउटपुट को गेन कर सके आफ्टर टू ईयर. ओके, सो हमारे इस सेकेंड यूनिट में चार चैप्टर है. फर्स्ट लेसन है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड टीचिंग, जिसमें हम टीचिंग को रिलेट करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ. सेकंड है हमारे पास लर्निंग के प्रिंसिपल को हमें समझना है, कि लर्निंग एक इंडिविजुअल लर्नर कैसे लर्न करता है, उस प्रोसेस को हमें समझना है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत. नेक्स्ट है हमारे पास जो लर्निंग है उसके सिद्धांत है, कुछ थ्योरीज दी गई है, ताकि एक इंस्ट्रक्टर इन थ्योरीज को समझ सके जो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है, ताकि एक ट्रेनर जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो आप इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं, ताकि आप अपने ट्रेनिंग पर उन लॉज उन थ्योरीज को अप्लाई करके उन्हें मोटिवेट कर सके और उन्हें इम्प्रूव कर सके उनकी लर्निंग को. नेक्स्ट हमारे पास एक लर्नर को हमें मोटिवेट करते रखना है और लर्निंग प्रोसेस को स्मूथ बनाए रखना है, ताकि 2 साल तक बच्चा ट्रेनिंग स्मूथली कर पाए और आफ्टर 2 ईयर अपने गोल्स को अचीव कर पाए और एम्प्लॉयमेंट पा सके. सो नेक्स्ट जो हमारा आज का सेशन है वो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड टीचिंग है. तो जो हमारा आज का सेशन है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी क्या होती है. सबसे पहले हम साइकोलॉजी को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी को. सबसे पहले आएगी एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसी का एक पार्ट रहेगी हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी. नेक्स्ट हम समझेंगे कि जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका नेचर कैसा है, कहाँ पर वो कैसे एक्ट करेगी, एक लर्नर के साथ कैसे बिहेव करती है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक ट्रेनर के साथ कैसे बिहेव करती है. नेक्स्ट हमारे पास है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी हम ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में हमारे पास चैप्टर है, इसका एक इंस्ट्रक्टर के लिए क्या बेनिफिट है, इंस्ट्रक्टर के लिए क्यों जरूरी है. नेक्स्ट हम देखेंगे एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए एक इंस्ट्रक्टर कौन कौन से स्टेप्स अपनी टीचिंग में इंक्लूड कर सकता है, ताकि वो अपनी टीचिंग को काफी इफेक्टिव बना सके और लर्निंग आउटपुट को अचीव कर सके. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिनका उपयोग करके एक टीचर लर्नर को मोटिवेट कर सकता है, उन्हें एनकरेज कर सकता है पढ़ने के लिए और उनसे उन्हें सही ट्रैक पर ला सकता है. तो ये सब हमारे आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की. एक जनरल सी बात है जो सभी जानते हैं, साइकोलॉजी वर्ड हमारा जो ग्रीक है, ग्रीक लैंग्वेज है, उससे लिया गया है साइकी. साइकी का मतलब है सोल, आत्मा, और लोगोस जो सेकंड वर्ड है उसका मतलब है बिहेवियर, किसी इंसान का बिहेवियर और उसके माइंड को स्टडी करना. तो सिंपली वर्ड में हम कह सकते हैं साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक ह्यूमन के बिहेवियर और उसके माइंड को स्टडी करना है. हम एक इंसान के बिहेवियर को देखते हैं, उसके जेस्चर को, पोस्चर को, उसके टॉकिंग स्टाइल को, उसकी हम सोच को देख सकते हैं, उसके बिहेवियर और उसकी पर्सनालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं साइकोलॉजी की हेल्प से. सो नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ही ब्रांच है. सबसे पहले कौन आएगा,
साइकोलॉजी मेन क्या है, साइकोलॉजी, जैसे हमारे ये चैप्टर का नेम क्या है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, बट हम कौन सी लेसन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेकेंड यूनिट का फर्स्ट लेसन, वो है एजुकेशन साइकोलॉजी एंड टीचिंग। वैसे ही फर्स्ट है साइकोलॉजी, उसी का पार्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, जैसे साइकोलॉजी है एक इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करती है, उसके बिहेवियर को स्टडी करती है, उसके माइंड को स्टडी करती है। उसी तरह जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक लर्नर के चारों ओर घूमती है, लर्नर के बिहेवियर को स्टडी करेगी, लर्नर की थिंकिंग को चेक करेगी, एक लर्नर को पूर्णतया रूप से स्टडी कर पाएगी, जिससे हम जान सकेंगे हमारा लर्नर किस स्थिति में कैसे सीख पा रहा है, कैसे समझ सकता है, वो सभी हमें कौन बताता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो सम डेफिनेशंस दी गई है हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट है उनके द्वारा। पहली डेफिनेशन देखिए, पहली डेफिनेशन दी गई है साइकोलॉजिस्ट स्किनर के द्वारा, ये क्या कह रहे हैं कि जो साइकोलॉजी है उसी की ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो हमारी लर्निंग और टीचिंग के साथ डील करती है। जो हमने अभी बताया एक लर्नर का जो लर्निंग प्रोसेस है उसके साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी डील करती है। नेक्स्ट हमारे साइकोलॉजिस्ट है क्रो एंड क्रो, जिन्होंने बताया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक लर्नर के जब से एक व्यक्ति ने जन्म दिया है, जन्म लिया है, उसके बाद वह व्यक्ति बढ़ता जा रहा है, वो प्रत्येक स्टेज में कैसे सीख पा रहा है, इस सब को डिफाइन कौन करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड ब्रांच है हमारी साइकोलॉजी की ही। इसमें क्या दिया गया है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं एक लर्नर की, जो कि लर्नर के चारों ओर हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी घूमती है। एक लर्नर के बिहेवियर का डाटा कलेक्ट करेगी, उसके सेंसेशन का डाटा कलेक्ट करेगी, किस स्थिति में एक लर्नर कैसे बिहेव करेगा, ये सभी हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी बताएगी। उसके बाद है जब आप एक स्टूडेंट को समझ पा रहे हैं, उसके बिहेवियर को समझ पा रहे हैं, अब उसे और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी कुछ लॉज देती है, कुछ थ्योरीज देती है, जिसके द्वारा आप उस लर्नर में कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सभी किसका काम है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है एक लर्नर के बिहेवियर पर डील करती है, और साथ में लर्नर के बिहेवियर्स के साथ डील करती रहेगी, और जो लर्नर अपनी लर्निंग में जो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है उन सभी को एनालाइज करके एक टीचर एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके रेक्टिफाई कर सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से। नेक्स्ट देखते हैं कुछ फैक्टर है जो हमारे एजुकेशनल प्रोसेस में एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है मेनली किन 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 को प्रभावित करती है और किन पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन है लर्नर, नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंस, द लर्नर प्रोसेस, लर्निंग का जो प्रोसेस है। नेक्स्ट है लर्निंग एनवायरमेंट, आपके लर्नर को पढ़ने के लिए कुछ एक्टिविटी करने के लिए क्लास में कैसा एनवायरमेंट मिल रहा है वो सभी। नेक्स्ट है टीचर, टीचर की एक एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है, ये सभी हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज लर्नर। जो हमारे पास लर्नर है, लर्नर कौन है, हमारा एक ट्रेड है। ट्रेड में कितने स्टूडेंट है, हमारे पास 26 स्टूडेंट, वो सभी हमारे लर्नर है। उन सभी पर हमें साइकोलॉजी को, एजुकेशनल साइकोलॉजी को अप्लाई करना है, उन्हीं के चारों ओर हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी घूमेगी। हमारी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमें अवेयर करवाती है लर्नर के बारे में। हम लर्नर के बारे में जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि लर्नर कैसे समझ पा रहा है किसी भी चीज को, और लर्नर ऑलरेडी क्या नॉलेज एग्जिस्ट करता है, लर्नर के पास ऑलरेडी कौन सी नॉलेज है, ये सभी हम कैसे जज कर पाते हैं, जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की थ्योरीज को खुद से अप्लाई करते हैं लर्नर पर। तो ये बताता है कि एक लर्नर क्या सीखना चाहेगा,
जिस स्टेज पर लर्नर आ गया है, अब टेंथ के बाद आपके पास लर्नर आ गया तो आप समझ पाएंगे इसका लेवल क्या है, नेक्स्ट किस लेवल पर आपको इसको सिखाना है। अगर आपके पास ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का बच्चा आएगा तो ज्यादा सीख पाएगा, उसका लेवल अप होगा। पॉलिटेक के बाद आपके पास कोई बच्चा है, उसका लेवल अपग्रेड होगा, आप उस लेवल से उन्हें मेजर कर पाएंगे साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट है द लर्निंग एक्सपीरियंस। एक जब आपने सबसे पहले लर्नर को समझा, अब आपने लर्नर को समझा और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, इससे क्या हो रहा है, आपका लर्नर फर्स्ट डे आपके पास आया, उस दिन क्या था, एक लर्नर बिल्कुल ब्लैंक था, बट ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल ब्लैंक था, वो नहीं जानता था मैं किस ट्रेड में आया हूँ। परंतु जैसे ही वो नेक्स्ट 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 आपके साथ बढ़ता चला गया, कुछ महीनों बाद वो एक्सपीरियंस ले रहा है कि जब मैं फर्स्ट डे आया था और जो अब हूँ, वो अपने में चेंजेस देख सकता है कि पहले वो कितनी लेवल की नॉलेज रखता था, अब वो किस लेवल की नॉलेज रख पाता है। एक लर्नर जो है अपनी खुद की लर्निंग को चेक कर पा सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से, और अपने अपनी जो उसकी उसने जो फर्स्ट स्टेज से अप टू कमिंग स्टेज तक उसने जो एक्सपीरियंस किया है, लर्निंग की है, उससे वो खुद को सेटिस्फाई कर सकता है और डे बाय डे खुद को मोटिवेट रख सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट है लर्निंग प्रोसेस। अब आपका लर्नर ये जान चुका है कि वो कुछ गेन कर पा रहा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। कैसे गेन कर पा रहा है, सबसे पहले एक टीचर ने ट्रेनी को समझा, किसकी हेल्प से, एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से, उसके माइंड को स्टडी कर पाया, उसके लेवल को स्टडी कर पाया, उसके थ्रू उसने अपने लर्नर को मोटिवेट किया। नेक्स्ट लर्नर जब मोटिवेट हुआ, इनकरेज हुआ, उसमें इंटरेस्ट आया, उसके बाद लर्नर बढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, अपने आउटपुट देता गया, उसके बाद क्या हो गया है, अब लर्नर खुद को देख पा रहा है कि वो उसने कुछ अचीव कर लिया है। जब लर्नर इस स्टेज पर पहुंच चुका है, जब वो देख पा रहा है कि वो कुछ गेन कर रहा है अपनी इस ट्रेनिंग में, तो एक इंस्ट्रक्टर को क्या करना है, उसकी लर्निंग पर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में लॉज दिए गए हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में कुछ लॉज है, प्रिंसिपल है, कुछ थ्योरीज है लर्निंग की, उन्हें अप्लाई करते रहना है, जिससे कि एक जो लर्नर है डीमोटिवेटेड कहीं पर डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, किसी चीज को भूल ना जाए, ताकि लर्नर उस ट्रैक को पकड़कर रख सके इस लर्निंग प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट है लर्निंग सिचुएशंस और एनवायरनमेंट। अब लर्नर पढ़ता जा रहा है, इस दौरान आपको उसके लिए एक पार्टिसिपेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते रहना है। अगर लर्नर डिमोटिवेटेड हो रहा है या कुछ समझ नहीं पा रहा है, उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वो समझ पाए। कुछ लर्नर्स हमारे कुछ ट्रेनिंग होते हैं जो एकदम से गेन कर पाते हैं स्किल को, जो जिनके पास पहले से पास्ट एक्सपीरियंस है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा होता है, उसके बाद फिर से वही चीज पढ़ रहे हैं, जैसे CITS में आप वही चीज पढ़ रहे हैं जो ITI में आपने पढ़ी है, तो आप एकदम से अपने टीचर के साथ कोरिलेट कर पाएंगे। डजेंट मैटर कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करें, आपने पहले हिंदी मीडियम में पढ़ा है बट आपको वो सब्जेक्ट मैटर क्लियर है, अब आप उसे सेम इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आप को रिलेट कर पाएंगे, लैंग्वेज बैरियर नहीं रखता है। परंतु यहाँ पर ITI में नया लर्नर है, उसके लिए ये एक डिफिकल्ट एनवायरनमेंट है, इसलिए आपको उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि वो इसमें अपनी लर्निंग में पार्टिसिपेट कर सके, कुछ सीख पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, उसे मोटिवेट करना है, उसे सपोर्ट करना है, उसे सिंपल से सिंपल एग्जांपल देते हुए समझाना है और उसे गाइड करते रहना है, जिससे बच्चा आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाए। अगर अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो काफी हद तक आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, उनको आपको मेंटर करना है, काउंसलिंग करनी है, आप उन्हें चाहे तो अलग से क्लास ले सकते हैं। ये सभी हमें कौन बताता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की, आपको एक लर्नर्स के साथ कैसे डील करती है, हमारे डिफरेंट टाइप्स के लर्नर हैं, उनके साथ हमें कैसे
डील करनी है। अब हम देखते हैं एक टीचर या फिर एक इंस्ट्रक्टर के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे महत्व है इसका एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के लिए। सबसे पहले जो ट्रेनर है, आप जैसे ट्रेनर है CITS की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनी है। आपके हमारे सब्जेक्ट में ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में सेकेंड यूनिट दी गई है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जिसका सबसे पहला महत्व यही है कि एक जो इंस्ट्रक्टर है सबसे पहले वो खुद को समझे। अभी आप ट्रेनिंग करें तो इसका मतलब यही है कि सबसे पहले आप खुद को एनालाइज करें, खुद में इम्प्रूव कर सके, खुद में साइकोलॉजी में से खुद में चेंज ला सके। जब आप ये कर पाएंगे तो आप किसी को भी मोटिवेट या फिर करेज कर पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक इंस्ट्रक्टर की पर्सनालिटी को डेवलप करती है, और उसकी पर्सनालिटी में इस तरह से डेवलप होगी कि एक इंस्ट्रक्टर का अपने इंस्ट्रक्शन पर इंटरेस्ट बना रहेगा और उसे अपने करियर में एज ए इंस्ट्रक्टर वो करियर अपना चूज किया है उसे सक्सेसफुल वे पर आगे बढ़ाता चला जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमने ये सब देख लिया कि एक एजुकेशनल साइकोलॉजी एक लर्नर की सबसे पहले कैसे हेल्प करती है। जब सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है एक इंस्ट्रक्टर की उसे खुद को समझने के लिए। जब एक इंस्ट्रक्टर ने खुद को समझ लिया उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने अपने ट्रेनी को समझा, जब इंस्ट्रक्टर ने ट्रेनी को समझ लिया अब ट्रेनी भी खुद को समझने लगा है और लर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा है और अपनी लर्निंग आउटकम दे रहा है। उसके बाद क्या किया है आपने, अगर लर्नर डीमोटिवेटेड हो रहा था, आउट ऑफ ट्रैक जा रहा था, आपने साइकोलॉजी की हेल्प से उसे ट्रैक पर लाया। तो ये सब है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक इंस्ट्रक्टर या टीचर के लिए क्या क्या लाभ है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है एक इंस्ट्रक्टर की। सबसे पहले है टू नो द लर्नर, एक लर्नर को समझ पाती है। जब इंस्ट्रक्टर बना, सबसे पहले उसने ज्वाइन किया, तो सबसे पहला काम उसका क्या है, अपने लर्नर्स को जानना है। उसे सबसे पहले क्या जानना है कि मेरे जो लर्नर है, ट्रेनी है, इनका लेवल क्या है, किस लेवल तक की ये नॉलेज रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग टीचर डिसाइड करेगा, प्लानिंग करेगा अपने लेसन। तो इंस्ट्रक्टर का सबसे पहला काम है जो वो एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से कर पा रहा है वो है लर्नर को समझना। उसके बाद है वो सब्जेक्ट मैटर को सिलेक्ट कर पा रहा है किस बेस पर। जब आपको मालूम है, आप अपने ट्रेनर को समझ पा रहे हैं कि वो किस बेस पे रखता है, अगर वो 10th बेस का है तो आप 10th बेस पे उसे पढ़ाएंगे, अगर आपको मालूम है पॉलिटेक लेवल का है तो आप उसे अपग्रेड लेवल पर पढ़ाएंगे। तो आपको जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है जहां पर लर्नर को समझने में मदद करिए, उससे आगे बढ़ते हुए आपकी टीचिंग स्टाइल में और टीचिंग के प्रोसेस में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है जब आपने सब्जेक्ट मैटर सिलेक्ट कर लिया है लर्नर के बेस लेवल से, तो अब आप सिलेक्ट करेंगे किस टेक्निक से आपको लर्नर को सिखाना है। आप सिंपल टेक्निक यूज करनी है, शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है, किन तरीकों से, किन मेथड्स को यूज करके एक ट्रेनी समझ पाएगा, आपको ये सब एनालाइज करना एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। उसके बाद है अब आपने सबको समझ लिया, अपने लर्नर को समझ लिया है आपने, अब आपने लर्नर का जो लेवल है, उसकी जो कैपेसिटी है, उस लेवल पर आपने मटेरियल कर लिया है, आपने अपनी लेसन की प्लानिंग कर ली है, और साथ ही साथ आपने स्किल्स समझाने के लिए मेथड भी समझ लिए है मुझे अपने लर्नर को किस मेथड से पढ़ाना है। अगर आपका जो स्टूडेंट है 8th लेवल का है तो आप स्किल बिल्कुल बेसिकली करवाएंगे, अगर आपका स्टूडेंट 10th 12th पॉलिटेक लेवल का है तो आप उसे हाई लेवल से करवा सकते हैं। आप बड़ा बच्चा है पॉलिटेक का है ट्रेनी है तो आप उसे ओरली भी बताएंगे तो वो कैच कर लेगा। जहां पर 8th स्टैंडर्ड का 10th स्टैंडर्ड का ट्रेनी है तो आपको उसे धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी बता रही है। अब इसके बाद है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का क्या मतलब है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एक लर्नर है, एक
न्यू लर्नर है, आपके पास एक एट्थ का है, एक टेंथ का है, एक पॉलिटेक का है, इन सभी के, ये सभी आपके सामने एक एक ही क्लास में बैठे, तो एक जो एट्थ का लर्नर है आप खुद समझिए उसके लिए ये इन्वायरमेंट डिफिकल्ट इन्वायरमेंट है, जहां पर वो क्या फेस कर रहा है कि मेरे सामने मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, पॉलिटेक लेवल का है, तो आपको उस एट्थ लेवल के ट्रेनिंग के लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। वो आप कैसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, अगर आपका जो पॉलिटेक का स्टूडेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप उसे अप्रिशिएट करेंगे, जहां पर आपका एट्थ लेवल का लर्नर है आप क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटेक के जो ट्रेनी है आप उन्हें एट्थ लेवल के साथ रखें, मतलब कि एट्थ लेवल के ट्रेनी को कौन समझाए, पॉलिटेक लेवल का ट्रेनी, तो पॉलिटेक लेवल का ट्रेनी क्या समझेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे भी अपने लेवल में लेकर आने की, तो ये बना रहे हैं आप सपोर्टिव एनवायरनमेंट, जिससे कि एक जो आपका एट्थ लेवल का ट्रेनी है या फिर पॉलिटेक लेवल का ट्रेनी है वो खुद में जेलस फील ना करे और आपकी क्लास का डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे और यूनिटी बनी रहे। नेक्स्ट है हमारे पास, एक इंस्ट्रक्टर को एजुकेशनल साइकोलॉजी अवेयर करती है वातावरण को समझने में। अभी हमने देखा कि एक इंस्ट्रक्टर को कैसे सपोर्टिव बनाना है, ये सब कैसे समझ पाता है एक इंस्ट्रक्टर एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से, जब इंस्ट्रक्टर ने देखा कि जो वीक लर्नर है वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसने क्या किया, अपने स्ट्रॉन्ग लर्नर को उसके साथ रख लिया ताकि ये दोनों साथ में बैठकर समझ सके और आप उन्हें गाइड करते रह सके, जिससे कि आपका जो वीक रहेगा वो पिछड़ नहीं पाएगा जबकि वो धीरे धीरे आगे आता रहेगा। ये क्या था, आपने एक लर्नर को एनवायरमेंट कैसे देना है वो सब समझा, कैसे जब आपने साइकोलॉजी को अप्लाई किया। अगर आप करते एट लेवल के ट्रेनी को वहीं पर रहने देते और अपना पॉलिटेक का ट्रेनी अपनी अपने प्लेस पर है, तो क्या होता, पॉलिटेक का ट्रेनी बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पर जो एट लेवल का ट्रेनी है वो देख देख कर डिमोटिवेटेड हो रहा है क्योंकि उसका लेवल नहीं था इतने लायक और वो समझ भी नहीं पाया, तो वो डिस्करेज होता चला गया। बजाय इसके आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि आप दोनों लर्नर को एक साथ रखें ताकि वो दोनों एक साथ पढ़ भी पाए और एक दूसरे के साथ को रिलेट भी कर पाए, जिससे कि जो हमारा पॉलिटेक का ट्रेनिंग है उसका भी फायदा हो रहा है और यहाँ पर ए ट्रेनिंग का एस लेवल का भी फायदा हो रहा है और उन्हें आउटकम मिल रहा है और आपकी टीचिंग इफेक्टिव होती जा रही है। नेक्स्ट है, इसकी हेल्प से आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। आपकी क्लास में डिफरेंट तरह के ट्रेनी आएंगे, कुछ कुछ शरारती होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ शांत बिहेवियर के होते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने सभी लर्नर को इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि आपके सभी लर्नर आपके साथ रिलेट कर पाए, आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली रिलेट कर सके, जिससे कि आप अपनी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर सके। जब आपका रिलेशन अपने स्टूडेंट के साथ अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भी आपके साथ रहेगी कि उसे अपनी क्लास का नेम खराब नहीं करना है या फिर उसे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कि उसका टीचर उससे नाराज हो जाए। तो जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो आपकी मदद करती है आपको अपने ट्रेनर के साथ कब कैसा बिहेव करना है। नेक्स्ट हमारे पास, एक इंस्ट्रक्टर है जो हमारा वो पूरी ट्रेनिंग देख रहा है अपने ट्रेनर की, भले ही अपने ट्रेनर के साथ कितना भी फ्रेंडली हो जाए इंस्ट्रक्टर, उसके बावजूद भी उसे ये नजर में रखना है कौन सा ट्रेनिंग किस लेवल से समझ समझ कर आ रहा है, उन्हें असेस करते रहना है। एट लास्ट आपको उन्हें सेशनल मार्क्स देने हैं, तो आपको क्या देखना है, उनकी प्रोग्रेस को देखते हुए आपको उन्हें असेसमेंट प्रदान करनी है। ये नहीं करना है कि मेरा ट्रेनिंग ये छोटे लेवल का है, एट्थ लेवल का है, तो मैं इसे कम असेसमेंट दूं, ऐसा नहीं है। अगर आपका एट्थ लेवल का ट्रेनिंग कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है तो आपको उसे अच्छे से असेस करना है और उसे इनकरेज करते रहना है। नेक्स्ट हमारे पास की क्लास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जहां पर बात है क्लास की प्रॉब्लम की, जब आपका ट्रेनर्स के साथ काफी अच्छा रिलेशन रहेगा तो आप क्लासरूम की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, जिससे कि ट्रेनर्स आपस में यूनिटी रखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी जब आप अपने ट्रेनिंग पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है नोइंग अबाउट हिमसेल्फ, एक ट्रेनर है आपके पास जो आपका इंस्ट्रक्टर है, आप एक इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं, आप खुद को जान पाएंगे, आपने पूरी ट्रेनिंग के दौरान
खुद को समझा, अपने लर्नर को समझा, उनकी लर्निंग कैपेसिटी को समझा, एक लर्नर कैसे समझ पा रहा है, किस स्टेज में एक लर्नर डीमोटिवेटेड हो रहा है, कहाँ पर एक जो ट्रेनी है आईटीआई का लर्नर है वो कब डिफिकल्टी महसूस करता है कुछ भी सीखने में, वो सब समझ पाएंगे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, जब आप समझ पा रहे हैं तो आप फिर से कोशिश करेंगे। इस कोशिश में आप खुद को इम्प्रूवमेंट करते चले जा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं, आप ये असेस कर सकते हैं कुछ समय बाद कि आप में चेंजेस हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही है एज अ इंस्ट्रक्टर। तो नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग। टीचिंग क्या होती है अब हम जानते हैं। टीचिंग एक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है, इंस्ट्रक्शन निर्देशात्मक गतिविधि है जो कि किसी स्किल को ट्रांसफर करने के लिए, किसी कंटेंट को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग की जाती है। मतलब क्या है टीचिंग क्या है, आपको कोई कंटेंट देना है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है क्लास में, कोई डेमोन्स्ट्रेशन करवानी है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, टीचिंग का मेथड यूज करोगे। कौन से मेथड यूज करोगे, जो आपको पेडागॉजिकली एक्सेप्ट किए गए हैं। हमारे पास इंस्ट्रक्शन मेथड दिए गए हैं, जैसे हमारे पास डिक एंड कैरी मॉडल, एडवांस मॉडल है, हमारे पास एडी मॉडल है और बेसिक मॉडल है। आप उनका यूज अपनी टीचिंग में कर सकते हैं जो कि हमारी टीचिंग को मोर इफेक्टिव बनाएगी। इस टीचिंग के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, इस टीचिंग के अंतर्गत आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले आप एनालाइज करेंगे अपने सिलेबस को, उसके बाद आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने लेसन की। धीरे धीरे आप इस तरह से अपने लर्नर की आउटपुट भी देख पा रहे हैं और खुद की आउटपुट को भी एनालाइज कर पा रहे हैं। तो आपको ऐसे मेथड का यूज करना है अपनी टीचिंग के लिए जो आपके लर्नर को लर्निंग में हेल्प करता है। हमारे पास लर्निंग टू टाइप्स की है। फर्स्ट वन है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड लर्निंग। इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड लर्निंग क्या होती है, जहां पर एक इंस्ट्रक्टर सब जानता है। आईटीआई में जैसे नौ सीखे आते हैं, नए बच्चे आते हैं, न्यू ट्रेनर है, तो इंस्ट्रक्टर का काम क्या है, वहां पर उन्हें पढ़ाना है, लेक्चर डिलीवर करेगा, उन्हें नोट्स देता है एक इंस्ट्रक्टर, प्रैक्टिस करवाएगा, ड्रिल होती है, डेमोन्स्ट्रेशन होती है, स्किल की प्रैक्टिस होती है। कौन करवा रहा है, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर करवा रहा है, इंस्ट्रक्टर दे रहा है उन्हें डायरेक्शन, उनकी इवेल्युएशन हो रही है डे बाय डे। ये कौन सी टीचिंग है, इंस्ट्रक्टर सेंटर, जहां पर सब काम कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, एक इंस्ट्रक्टर करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, क्योंकि लर्नर अभी नए है और इस ट्रेनिंग में न्यू है, तो उन्हें स्किल का या फिर इस ट्रेड की नॉलेज नहीं है, तो उन्हें नॉलेज कौन दे रहा है, इंस्ट्रक्टर दे रहा है। तो ये है इंस्ट्रक्टर सेंटर लर्निंग, जहां पर टीचर मेन रोल निभाएगा और स्टूडेंट उससे फॉलो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी से क्या तात्पर्य है, जिसमें लर्नर अपनी लर्निंग पर ज्यादा फोकस्ड है, जिसमें लर्नर खुद अपनी ट्रेनिंग को कर रहा है, अपनी सब्जेक्ट पर खुद ध्यान दे रहा है, जहां पर लर्नर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली पढ़ाई कर रहा है, उसे हम कहेंगे लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। जहां पर जो ट्रेनर है, इंस्ट्रक्टर है, वो अपने लर्नर को, अपने ट्रेनीज को केवल और केवल गाइड करेगा। जहां पर आपका ट्रेनी स्टक हो रहा है, जहां पर ट्रेनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लर्नर को सीखने में, वहां पर जो इंस्ट्रक्टर है वो उसे गाइड करेगा। जो यहाँ पर लर्नर है, अपनी लर्निंग के लिए, अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए लर्नर रिस्पॉन्सिबल है, अपनी लर्निंग की, अपनी प्रोग्रेस की खुद एक लर्नर को इंक्वायरी करनी है, जिसके लिए एक लर्नर डिस्कशन मेथड यूज कर सकते हैं अपने कोर लर्नर्स के साथ, जो उसके साथ के ट्रेनीज है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो लर्नर है वो नौ शिक्षा नहीं है, न्यू लर्नर नहीं है, वो एक्सपीरियंस लर्नर है, जैसे CITS का लर्नर है, एक्सपीरियंस लर्नर है। वो उसको क्या चाहिए, केवल अपने इंस्ट्रक्टर की गाइडलाइन चाहिए। इसे कहते हैं लर्नर सेंटर एक्टिविटी, और जहां पर लर्नर एक मुख्य बिंदु है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास अपनी साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताए गए हैं, जिसके थ्रू, जिनकी हेल्प से एक इंस्ट्रक्टर अपनी टीचिंग को
इफेक्टिव बना सकता है। फर्स्ट है हमारे पास जो एक ट्रेनर है, इंस्ट्रक्टर है, उसको सबसे पहले अपने ट्रेनिंग को समझना है। आपका ट्रेनिंग किस बैकग्राउंड से रिलेट करता है, उसका क्या कल्चर है, उसकी लर्निंग की कैपेसिटी क्या है, वो किस सिचुएशन में स्टक हो रहा है, वो किस एनवायरनमेंट में सीख पाता है, ये सब आपको समझना है। सबसे पहले आपको अपने लर्नर को समझना है। नेक्स्ट है, जब आपने अपने लर्नर को समझ लिया है, उसके बाद आपको अपना लेसन प्लान करना है। तो लेसन प्लान करने के लिए, या फिर आप डेमोंस्ट्रेशन की स्किल करवा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्किल और उस लेसन के उस कंटेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव सामने रखने हैं, जिससे कि आपका जो लर्नर है वो समझ सके कि इस स्किल के बाद या इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करने के काबिल हो सकता हूँ। इसलिए आपको सबसे पहले अपने जो लर्निंग है, लर्निंग का आपका जो कोर्स है, कंटेंट है, उसके आपको ऑब्जेक्टिव बनाए रखने हैं। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। आप लेक्चर मोड में क्लास ले रहे हैं, डेमोंस्ट्रेशन मोड में अपनी क्लास ले रहे हैं, इससे आपकी क्लास कितनी इफेक्टिव हो रही है, कितना आपको लर्नर से रिस्पांस मिल पा रहा है, इसको आपको असेस करना है। साथ ही साथ जब आप देखते हैं आपका लर्नर कहाँ पर प्रॉब्लम फील कर रहा है, या फिर आपकी जो आप टीचिंग करवा रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है, आपको असेस करना है। जब आप ये सब असेस करते हैं, तो आप उसके बाद क्या देख रहे हैं कि मेरा ट्रेनी है जो कुछ नहीं समझ पा रहा है, तो आप उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आपको डिस्कशन मोड पे अपनी क्लास को लेना है, जिससे आपका ट्रेनी आपके साथ उसी समय कोरिलेट कर पाएगा और अपनी प्रॉब्लम्स है, जो उसकी इंक्वायरीज है, जो उसके डाउट्स है, वो साथ साथ आपका जो ट्रेनी है अपने क्लियर कर पाएगा। आपको अपनी डेमोंस्ट्रेशन के लिए इस मेथड को यूज करना है, जो आपका ट्रेनी है जब आप उसे समझा रहे हैं उसी के साथ आपका ट्रेनी उस स्किल को साथ साथ करता रहे। इस विधि को अपनाने से आप अगर अपनी टीचिंग में ये स्टाइल मेथड यूज करते हैं, तो आपका लर्नर ज्यादा जल्दी सीख भी पाएगा और लॉन्ग लास्टिंग उसकी लर्निंग बनी रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास असेसमेंट। आपने लेक्चर बोर्ड में क्लास ली, डिस्कशन मेथड आपने यूज कर लिया, इसके बाद आपको अपने ट्रेनिंग को और खुद को असेस करना है, इवेल्युएट करना है कि आप कितने इफेक्टिवली पढ़ा पाए हैं, जो आपका ट्रेनिंग है कितनी इफेक्टिवली समझ पा रहा है और कितनी अच्छे से वो आपको आउटपुट दे रहा है। इन सबको जानने के लिए आपको खुद को और अपने ट्रेनिंग को असेस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको सबसे पहले जो भी स्किल सिखानी है या फिर कोई भी कंटेंट आपको अपनी क्लास में डिलीवर करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है कुछ मेन पॉइंट्स को, जिससे कि आपका ट्रेनी समझ पाए कि इस कोर्स में इम्पोर्टेंट क्या है, इस जो मेरे कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, उसके लिए आपको उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ज्यादा इंक्लूड करने हैं, बजाय कि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कॉमन सी नॉलेज है वो आप थ्रू लेक्चर बता सकते हैं, परंतु जो आपका मेन है आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करना है। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका ट्रेनिंग है उसको आप पढ़ा रहे हैं, जब आप एक एक्सपर्ट टीचर बन जाते हैं तो आपका क्या होता है, जो आपकी कोर्स है, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, आपके बिहेवियर में वो ऐड हो जाता है, और जो आप इंस्ट्रक्टर है वो आप जब भी आपसे कभी भी कोई डाउट हो, कोई ट्रेनी आपसे डाउट पूछता है, तो आप उसे इमिडिएटली उस डाउट से क्लेरिफाई करवा सकते हैं। परंतु फिर भी जब एक इंस्ट्रक्टर इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वो अपने कोर्स को कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से बिना किसी बुक के, बिना किसी मटेरियल की हेल्प से बता सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक लर्नर अच्छे से अपने इंस्ट्रक्टर के साथ कोरिलेट नहीं कर पाता है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने लर्नर के साथ जो जहां तक आपका लर्नर समझ पाए और जहां पर आपका ट्रेनी स्टक हो रहा है, आपको उन दोनों पॉइंट्स को मेजर करना है, असेस करना है। उसके बाद आपको क्या समझ आएगा कि मेरा लर्नर कहाँ पर डिफिकल्टी फील कर रहा है लर्निंग में, आपको इन दोनों को कंबाइन करते हुए लर्नर की लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है और उसे सपोर्ट करना है कि वो कैसे लर्न कर पाएगा और उसके डाउट्स को कैसे क्लियर करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको अपनी टीचिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करने हैं, ताकि आपका जो ट्रेनिंग है वो बोर्डम भी फील ना करे या फिर कहीं पर स्टक ना हो पाए। अगर आप एवरी टाइम अपनी क्लास को लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेक्चर मेथड यूज करते हैं, आपका ट्रेनिंग बोर हो सकता है, और जितने जल्दी मतलब आप बोलेंगे, जितने जल्दी आप अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, वो
बहुत ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी होती है कि जो आपका लर्नर है पूरा का पूरा गेन कर पाए जो आपने पूरा लेक्चर डिलीवर किया है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट मेथड्स यूज करने हैं इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपको जो बताया गया है लेक्चर डिलीवर करने के, स्किल डिलीवर करने के. हमारे पास एडी मॉडल दिया गया है, डिकेंट क्वेरी, एडवांस्ड मॉडल है, बेसिक मॉडल है. आप किसी भी मॉडल को यूज करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं. इससे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन मॉडल के हेल्प से खुद को एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपको अपना कोर्स एनालाइज कर रहे हैं उस बेस पे आप स्प्लिट कर रहे हैं अपने कंटेंट को और आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने लर्नर की लेवल को देखते हुए. और इसी प्रकार आप अपने लर्नर को एनालाइज कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं और उसकी जो डाउट्स है उसे क्लैरिफाई कर पा रहे हैं. तो इसके लिए आपको मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स यूज करने हैं, टीचिंग एड्स यूज करनी है जो आपको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में बताई गई है. नेक्स्ट है हमारे पास जो आपका कोर्स है, आपको ये नहीं रखना है कि हर साल आप अपने ट्रेनिंग के लिए या हर जो भी आपका कंटेंट है सेम जो आपके लेसन प्लान है उसी से काम चला रहे हैं, सेम टीचिंग एड्स आप अपने ट्रेनर के लिए यूज कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है, उसे रिफाइन करते रहना है, न्यू स्किल उसमें ऐड करते रहना है, न्यू कॉन्टेंट आपको ऐड करते रहना है, जिसके थ्रू क्या हो पाएगा, आपका लर्नर आसानी से समझ पाएगा. आपको डिफरेंट एग्जाम्पल देने हैं अपने लर्नर के लिए, उसके आसपास के एग्जाम्पल देकर आपको उससे समझाना है. अगर आप इन सभी को यूज करते हैं तो आपका ट्रेनिंग क्या कर पाएगा, आप उसे कोरिलेट कर पाएगा, जो आप सिलेबस करवा रहे हैं, जो आप थ्योरी दे रहे हैं उसे समझ पाएगा आसानी से. अब देखते हैं नेक्स्ट स्किल. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग. किन सिद्धांतों के उपयोग करने से आप अपनी टीचिंग अपने स्टूडेंट को के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, उस एक स्टूडेंट को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर पढ़ाई के लिए उसे अपनी स्किल में परफॉर्मेंस बेटर देने के लिए आप कैसे उसे करेज कर सकते हैं. तो सबसे पहले है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. ये जो सिद्धांत है इसमें क्या बताया गया है कि आपको अपने ट्रेनिंग को सबसे पहले मोटिवेट करना है कि वो अपनी लर्निंग में अपनी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट ले, मोटिवेट हो पाए और बिना किसी झिझक के अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाए. जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लर्नर को मोटिवेट करना है कि आप इस स्टेज पर अगर आए हैं तो आपका मोटिव क्या है, आप क्यों चाहते हैं. आपको अपने लर्नर से उसके गोल दिखाने हैं कि आपका लर्नर ब्लाइंडली थ्योरी ना पढ़े, ब्लाइंडली आपकी स्किल को ना कंप्लीट कर दे. इसलिए आपको उसके सामने उसके गोल रखने हैं, उसको मोटिवेट करना है. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी से क्या मतलब है, प्रिंसिपल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपका जो ट्रेनी है वो कैसे ज्यादा सीख पाएगा. एक ट्रेनी बजाय लेक्चर मेथड के प्रैक्टिकली ज्यादा सीख पाएगा. आपको अपने ट्रेनिंग को स्किल करवानी है इंडिपेंडेंटली. जब ट्रेनी बार बार एक स्किल को रिपीट कर रहा है, खुद रिपीट कर रहा है, इससे क्या होगा, ट्रेनी उस स्किल को अच्छे से भी सीख पाएगा. फर्स्ट टाइम उसने मिस्टेक की, नेक्स्ट टाइम उसने इम्प्रूवमेंट किया, नेक्स्ट टाइम उसने ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया, उससे क्या होगा, ट्रेनी के बिहेवियर में वो ऐड हो जाएगा कि अब ट्रेनी उसे बिना किसी मिस्टेक के और परफेक्टली उसे कर सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट से क्या मतलब है आपका, आपको अपने कॉन्टेंट को इंटरेस्टिंग इसलिए बनाना है ताकि आपका जो ट्रेनी है डिमोटिवेट भी फील ना करे, या फिर कुछ लेक्चर हो सकते हैं, कुछ कंटेंट हो सकते हैं जिसमें आपके ट्रेनी की रुचि है, उसे पढ़ने में अच्छा लगता है, और कुछ कंटेंट है जिसे वो नहीं समझ पा रहा है. उसके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट एड्स यूज करनी है, हेल्पिंग मटेरियल यूज करना है, डिफरेंट मेथड यूज करने हैं अपने ट्रेनी को. उसके लिए एक सपोर्टिव एनवायरमेंट तैयार करना है जिससे आपका ट्रेनी उस कंटेंट में इंटरेस्ट ले पाए. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ. जो आपका कंटेंट है, जो आपकी ट्रेनिंग है, आपको एक लर्नर को इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो अपनी स्टडी को, अपने उस ट्रेनिंग को अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट कर पाए. वो समझ पाए कि अगर वो सीख रहा है तो उसे लाइफ लॉन्ग सीखना है, अपनी लाइफ के लिए सीखना है. ये नहीं है कि मेरी 2 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल की ट्रेनिंग है, मुझे बस पास आउट होना है, बस इसलिए मुझे पढ़ना है. आपको अपने ट्रेनिंग को इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो लाइफ लॉन्ग अपनी ट्रेनिंग को अपने सिलेबस के साथ जुड़ा रहे और अपने फ्यूचर में, अपने करियर में इसे ऐड करता चला जाए. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिफाइंड एम. इससे क्या मतलब है हमारा कि आपको अपने छात्र की, अपने जो आपके ट्रेनी है उनका
निर्धारित गोल चेक करना है कि उसका गोल क्या है या और अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग का जो निर्धारित गोल है क्या उन दोनों में कोई मैच है, मेरा जो ट्रेनी है और ये जो ट्रेनिंग कर रहा है उन दोनों के गोल में क्या सिमिलैरिटी है। आपको सिमिलैरिटी अपने ट्रेनिंग को इतना मोटिवेट करना है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि वो अपना जो उसका गोल है वो अपनी ट्रेनिंग के गोल के साथ कोरिलेट कर पाए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें आपको क्या करना है कि आपके जो ट्रेनी है, आपके पास एक क्लास में 20 ट्रेनी है, 26 ट्रेनी है, इसमें आपको क्या देखना है कि आपके क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो क्विक लर्नर है, एकदम से जो आप कह रहे हैं, जो आप स्किल सिखा रहे हैं, डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, आपका ट्रेनी उसे समझ पा रहा है। परंतु कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम आपने अपनी स्किल को डेमोंस्ट्रेट किया, लर्नर को रिलेट नहीं कर पाया, उसे नहीं समझ पाया, उसके बाद फिर आपने उसे समझाया, वो फिर से नहीं समझ पाया। इस आपको देखना है कौन सा लर्नर फास्ट है, कौन सा स्लो लर्नर है, कौन सा लर्नर ज्यादा जल्दी स्टक हो जाता है, कौन सा ज्यादा जल्दी डिमोटिवेट। आपको उनको डिफ्रेंशिएट करना है और उनके लेवल पर लाकर आपको आपको पता है मेरा ये लर्नर स्लो है तो आपको उसके साथ उसी वे में उसे सिखाना है ताकि वो लर्नर ये ना समझे कि मैं स्लो लर्नर हूँ और बाकी फास्ट है वो सब आगे निकल जाएंगे, मैं यही पीछे पड़ रह जाऊंगा। आपको उस लर्नर को साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का क्या मतलब है? आपकी क्लास में आपने देखा मेरी क्लास में डिफरेंट टाइप्स के लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई ऑलरेडी मोटिवेटेड है जो मतलब कि चाहते हैं कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, कुछ लर्नर है जो टाइम पास के लिए आ रहे हैं, जो चाहते हैं कि बस कोर्स कंप्लीट करना है, 2 साल कंप्लीट हो जाए और चले जाना है। आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि आपके लर्नर उससे कोरिलेट कर पाए, उसमें इंटरेस्ट ले पाए, वो समझ पाए कि यस ये मुझसे रिलेट हो रहा है, ये जो मेरा कोर्स है ये मेरी तरह है। आपको इस तरह से अपने सिलेबस को सिलेक्ट करना है, अपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है, अपने टीचिंग एड्स को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि आपका ट्रेनिंग उसमें कोरिलेट कर पाए और इंटरेस्ट ले पाए और साथ ही साथ अपना जो उसका टीचिंग का गोल है, अपनी ट्रेनिंग का गोल है उसे अचीव कर पाए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग से हमारा क्या मतलब है? आपको सबसे पहले अपनी क्लास को लेने से पहले ये नहीं करना है कि आपने क्लास ले ली बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी टीचिंग एड के आपने केवल और केवल अपनी क्लास एंटर की और बोलना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, आपका ट्रेनी एकदम से आपके साथ रिलेट भी नहीं कर पाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस एनालाइज करना है, प्लानिंग करनी है कि आप क्या पढ़ाने जाएंगे। अगर आप पढ़ाएंगे तो आपको अपने लर्नर का ख्याल रखना है कि मेरा लर्नर कौन सा फास्ट समझ रहा है, उसके लिए मैं कैसे एग्जाम्पल दूंगा, और मेरा जो स्लो लर्नर उसके लिए मुझे डिफरेंट एग्जाम्पल देते रहना है ताकि वो भी उसके साथ कोरिलेट कर पाए और समझ पाए और आपके जो सारे लर्नर है एक साथ आगे बढ़ते रहे। इसलिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी है अपने कोर्स को डिलीवर करने के लिए कि मुझे अपने हर एक ट्रेनिंग को किस बात को कैसे समझाना है सबके सामने। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन। प्रिंसिपल ऑफ डिविजन का क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ डिविजन का मतलब है कि आपको अपने कंटेंट को, अपने सिलेबस को इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपका जो फर्स्ट लेक्चर था और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एक दूसरे से लिंक्ड हो। आपको अपने लेक्चर को या अपनी टीचिंग को यूं नहीं बनाना है कि फर्स्ट टाइम आपने बिल्कुल बेसिक स्किल करवाई और नेक्स्ट स्किल में आप बिल्कुल हाई लेवल की स्किल करवाते हो, तो इससे क्या होगा, आपका ट्रेनी स्टक हो जाएगा। वो बेसिक स्किल समझ पाया परंतु जो हाई लेवल की स्किल आपने उसे सिखाई वो वहां पर स्टक हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, बेसिक को लेकर चलते रहना है, साथ साथ लिंक करते हुए आपको हाई स्किल तक पहुंचना है, लेवल बाई लेवल, स्टेज टू स्टेज आपको पहुंचते रहना है। ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिविजन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन से क्या तात्पर्य है? प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन का मतलब है आपने एक स्किल करवा दी, आपने अपना एक कोर्स कंप्लीट करवा लिया है, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। आपको इसके बाद क्या करना है, आपको अपने लर्नर को एक बार वापस उसी लेक्चर पर ले जाना है, वापस उसी यूनिट पर ले जाना है, अपने लर्नर के साथ डिस्कशन मोड पे उस आपकी यूनिट को डिस्कस करना है, जिससे आपका लर्नर क्या होगा उसके डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे आप, साथ ही साथ आपका जो यूनिट थी आप उसे भी रिवाइज कर पाएंगे, जिससे क्या होगा आपका लर्नर फर्स्ट टाइम उसने सीखा
और उस आपने उसे एनालाइज किया तो वो काफी हद तक सीख पाया। जब आपने रिवाइज किया फिर क्या हुआ, जो लर्नर ने वो पढ़ा था उसके अगर कोई डाउट थे जो आपसे नहीं भी कह पाए वो भी क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ जो उसकी वो यूनिट थी वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगी और वो उसकी मीनिंग को अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन एंड रिक्रिएशन। इससे क्या मतलब है कि आपको अपने क्लास में बिल्कुल ज्यादा जिसे कहते हैं खड़ूस नहीं रहना है और अपनी क्लास में बोर्डम माहौल नहीं बनाना है, आपको क्या करना है अपनी क्लास में क्रिएटिविटी रखनी है, रचनात्मक सा माहौल रखना है जिससे कि आपके जो लर्नर है वो पढ़ भी पाए और आपके साथ कोरिलेट भी कर पाए, जिससे कि एक इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। आपको हर समय स्ट्रिक्ट नहीं रहना है क्लास में कि अपने ट्रेनी से जबरदस्ती काम करवाना है और आपका ट्रेनी ये फील करे कि मेरे ऊपर लोड पड़ रहा है। आपको अपनी क्लास का माहौल ऐसे बनाए रखना है कि आपके ट्रेनी आपके साथ रिलेट भी कर पाए और आपका जो क्लास का एनवायरनमेंट हो वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, आपके साथ एक ट्रेनी एज अ टीचर बिहेव ना कर पाए, एज अ आपके साथ फ्रेंडली आपसे अपनी जो उसकी प्रॉब्लम्स है, जो लर्निंग है उसे प्रॉब्लम्स फील हो रही है, कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहा है वो लर्नर आपसे बता पाए। इसलिए आपको अपने लर्निंग का जो माहौल है आपकी क्लास का एनवायरनमेंट उसे सपोर्टिव बनाना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। इसे क्या मतलब है, जब आपने फर्स्ट टाइम अपनी क्लास अटेंड की और आपने बिल्कुल प्लानिंग के साथ अपने सेशन को अटेंड किया, सबसे पहले आपने अपने लर्नर को समझा, जब आपने लर्नर को समझा फिर क्या हुआ, अब हर एक लर्नर का बेस चेक कर पाए कि मेरे पास 20 लर्नर है तो इनका डिफरेंट डिफरेंट लेवल क्या है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब आपने उन्हें उनके बेस को लेकर आपने लेक्चर डिलीवर किया, उन्हें स्किल्स समझाई हर एक ट्रेनी को, उसके बाद क्या हुआ, आपने डिस्कशन किया, आपने लर्नर के साथ कोरिलेट किया और आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, उनको असेस कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ, कुछ ट्रेनीज है किसी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, किसी की काफी बुरी रही, तो उससे ट्रेनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी वो समझेगा कि मुझे आगे के लिए इसी परफॉर्मेंस को बनाए रखना है, जो जिसकी कम मार्क्स है वो क्या समझेगा कि अगर मेरे फर्स्ट में कम मार्क्स आ गए तो आप मुझे अपनी इमेज डाउन नहीं करनी। शुरू शुरू में बच्चे क्या समझते हैं, एक लर्नर क्या समझता है कि उसकी अपने ट्रेनर की सामने एक अच्छी इमेज बन पाए, सब अपनी रेपुटेशन बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा, शुरू से ही आपको इस तरह से अपने ट्रेनिंग को करेज करना है कि वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और अपनी असेसमेंट और इवेल्यूएशन जो इंस्ट्रक्टर कर रहा है उसमें अपनी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड टीचिंग, जिसको हमने आज कर लिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको देखिए। इस लेक्चर को जो PDF है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप एक बार खुद चेक कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमारी क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा। और थैंक यू टू ज्वाइन अस, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल।